स्थितम सुक्तम भाषार्थ बादलों से झरने वाले जल बिंदुओं की भांति स्तुति से आनंदित मरुत धन प्रदान करते हैं। हवि से युक्त यज्ञ की भांति संसार की उत्पत्ति के कारण मरुत हैं। इन महान शोभन मरुत गण की पूजा वास्तव में मैंने नहीं की है, शोभा के लिए भी मैंने स्तुति नहीं की, इसलिए अभी मैं नए स्तोत्र से स्तुति करता हूँ। भाषार्थ पहले मरुत गण मरण धर्मा मानव थे, अनंतर पुण्य के द्वारा वे देवता बने। वे केवल शोभा के लिए ही अलंकार धारण करते हैं। मरुतों के बल की एकत्र हुई सेना अनेक सेना भी पराजित नहीं कर सकती। ये द्युलोक के गमनशील पुत्र आगे नहीं जाते हैं, ये अदिति के पुत्र आक्रमणशील होने पर भी आगे नहीं बढ़ते हैं। हमने इनकी स्तुति नहीं की, इसलिए यह हुआ है। भाषार्थ जो द्युलोक एवं पृथ्वी से भी अपने महान सामर्थ्यवान आत्मा से अधिक महान है, जैसे सूर्य अंतरिक्ष से ही महान है, वे बलशाली वीरों की भांति स्तुतियों की इच्छा करते हैं। दुष्टों का नाश करने वाले मानवों की भांति ये उग्र होते हैं। भाषार्थ हे मरुतों, जिस समय तुम लोग परस्पर प्रतिघात करने वाले जलों के बहने की भांति शीघ्र गति से जाते हो, पृथ्वी व्यथित नहीं होती और न विशीषण होती है। यह विश्व रूप यज्ञ का हवि तुम्हारे लिए ही लाया है। तुम अन्न दान करने वाले व्यक्तियों की भांति हमें सुखदायक होकर इकट्ठे आओ। भाषार्थ हे मरुतों, तुम रस्सी से रथ में जोते अश्व की भांति गमनशील होवो, उषाकालीन सूर्यादि की भांति तेज से युक्त होवो, गरुण पक्षी की भांति स्वयं ही अपने यश फैलाने वाले पराक्रम से युक्त और उग्र होवो, पथिकों की भांति तुम बद्ध शुद्ध अंतःकरण युक्त होकर चारों ओर गमन करने वाले होवो। भाषार्थ हे मरुतों, तुम जिस समय बहुत दूर देश से आते हो, उस समय तुम महान श्रेष्ठ वर्णीय धन देते हो। हे वसुओं, तुम दूर से ही गुप्त शत्रुओं का नाश करो। भाषार्थ जो यजमान यज्ञ के श्रेष्ठ पद पर बैठकर अंतिम ऋचा तक यज्ञ की समाप्ति पर मरुतों की भांति ऋत्विजों को भी दान दक्षिणा उदारता से प्रदान करता है, वह यजमान धन उत्तम वीर पुत्र एवं अन्न बल और आयु को प्राप्त करता है, वह देवों के साथ ही यज्ञ में बैठता है। भाषार्थ वे यज्ञार्ह यज्ञ में सबके रक्षक हैं, वे सबके लिए सुख कल्याण की भावना करने वाले आदित्य नाम से कहने योग्य हैं। वे मरुत हमारा रक्षण करें, यज्ञ में रथ से त्वरायुक्त हो जाने की कामना करने वाले वे हमारी स्तुति की रक्षा करें, तथा वे यज्ञ में यथेष्ट हवि की कामना करते हैं। अष्ट सप्त तितम सुक्तम भाषार्थ वे मरुत बुद्धिमान ब्राह्मणों की भांति स्तुति से प्रसन्न ध्यानशील हों, वे जैसे उत्तम कार्य करने वाले देव भक्त यज्ञों से संतुष्ट होते हैं, वैसे वे भी वृष्टि प्रदान आदि कार्यों से प्रसन्न रहें। वे राजाओं की भांति पूजनीय दर्शनीय एवं गृहपति मानवों के समान निष्पाप एवं शोभित हैं। भाषार्थ जो अग्नि की भांति तेज से शोभित वक्षस्थल पर सोने के अलंकार धारण करने वाले वायु की भांति स्वयं अन्यों के सहायक तथा गमनशील उत्कृष्ट ज्ञाता विद्वान की भांति पूज्य सुंदर नेत्रों वाले उत्तम सुख से संपन्न तथा सोम की भांति सुंदर मुख वाले हैं, वे तुम यज्ञकर्ता यजमान के पास जाओ। भाषार्थ जो वायु की भांति शत्रुओं को कपाने वाले एवं गतिशील हैं, अग्नियों की ज्वालाओं की भांति तेजस्वी कांतियुक्त कवचधारी योद्धाओं की भांति शौर्य कर्म वाले तथा माता पिताओं की वाणियों की भांति उदारता से दान देने वाले हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं। भाषार्थ जो रथ चक्र के अरों की भांति एक नाभि वा बंधुता में बंधे हैं, जयशील शूरों की भांति तेजस्वी हैं, दाता मानव की भांति जलों का सेवन करने वाले सुंदर स्तोत्र गान करने वालों की भांति वे सुशब्द वाले हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में आएं। भाषार्थ जो अश्वों की भांति श्रेष्ठ प्रशंसनीय वेग से जाने वाले धनिकों की भांति रथयुक्त उदार दाता हैं तथा जलों की भांति नीचे बहने वाले जलधाराओं से जाने वाले तथा अनेक रूप वाले अंगिरसों की भांति सामगान करने वाले हैं, वे मरुत हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें। भाषार्थ
उदक निर्माण करने वाले मेघों की भांति नदियों के जल प्रवाहों के निर्माता हैं। वे सब ओर शत्रुओं को नष्ट करने वाले शस्त्रों की भांति सदैव आदरशील हैं। उत्तम वत्सल माताओं के बालकों की भांति खेलने वाले हैं और महान जनसंघ की भांति गमन में दीप्तिमान हैं। वे मरुत हमारे यज्ञ में आए। भाषार्थ, उषा काल की किरणों की भांति वे यज्ञ का आश्रय लेने वाले हैं। कल्याण की कामना करने वाले वरों की भांति वे आभूषणों से चमकते हैं। नदियों की भांति सतत गमनशील हैं। तेजस्वी आयुध धारण करने वाले दूर मार्ग वाले पथिक की भांति वे वेग से दूर देशों को अतिक्रम करते हैं। वे मरुत हमारे यज्ञ में उपस्थित रहें। भाषार्थ, हे मरुतों, हे देवों, हमारी स्तुतियों से आनंद प्रसन्न होकर तुम हमें श्रेष्ठ धन संपन्न एवं सुंदर रत्नों के स्वामी बनाओ। हमारे इस मैत्री युक्त स्तोत्र को ग्रहण करो। तुम्हारे दान कार्य सदैव से ही विद्वान हैं। एको ना शीतितम सुक्तम। भाषार्थ, हे मरुतों, इस अमर अविनाशी महान अग्नि के महान सामर्थ्य को मैं मृत सृष्टि में देखता हूँ। इसके अनेक मुख के दो जबड़े ज्वालाएं भिन्न भिन्न रूप से धारित होती हैं। वे चवर्ण न करके खाती हुई सी बहुत काष्ठादि पदार्थों का भक्षण करती हैं। भाषार्थ, इस अग्नि का शिर मस्तक मानवों के उदर में स्थित है। इसके नेत्र भिन्न भिन्न स्थानों में सूर्य एवं चंद्रमा के रूप में हैं। वह जिह्वा से चवर्ण न करके ही ज्वालाओं से काष्ठों को खा जाता है। इसके लिए अध्वर्यु आदि लोग पैरों से जाकर अनेक खाद्य पदार्थ हव्य आदि प्राप्त करते हैं। मानवों के बीच यजमान हाथ उठाते तथा नमस्कार करते हुए यह करते हैं। भाषार्थ, जिस प्रकार छोटा बालक दुग्धपान के लिए माता के पास जाता है, उसी प्रकार यह अग्नि पृथ्वी के ऊपर की लताओं की कामना करता हुआ और उस लताओं में छिपे उत्कृष्ट मूल की भी कामना करके आगे आगे चलकर उनका ग्रास करता है। वह अपने को भूमि के अंदर पके हुए अन्न की भांति उज्ज्वल काष्ठ को भक्षण करता हुआ पाता है। भाषार्थ, हे द्यावा पृथ्वी, तुमसे मैं सच बात कहता हूँ। अरण्यों से उत्पन्न हुआ यह गर्भगत बालक रूप अग्नि अपने माता पिता को खाता है। मैं मानव देवता अग्नि के संबंध में नहीं जानता हूँ। हे वैश्वानर, अग्नि विविध ज्ञान वाला एवं प्रकृष्ट ज्ञान वाला है। भाषार्थ, जो यजमान इस अग्नि को बहुत शीघ्र अन्न देता है, गो घृत एवं सोमरस से अग्नि में हवन करता है तथा काष्ठ आदि से अग्नि को प्रदीप्त करता है, उसे सहस्रों अपरिमित ज्वालाओं से अग्नि देखता है। हे अग्नि, तू हमें सर्वतः अनुकूल रहते हो। भाषार्थ, हे अग्नि, अज्ञानी मैं तुझसे पूछता हूँ, क्यों तुमने देवों के ऊपर क्रोध किया है, पाप किया है? जैसे चमड़े और लता के शस्त्र से टुकड़े किए जाते हैं, वैसे ही कहीं क्रीड़ा न करते हुए तथा क्रीड़ा करते हुए हरित वर्ण अग्नि खाद्य पदार्थ खाते समय उनके टुकड़े टुकड़े करता है। भाषार्थ, वन में प्रवृद्ध हुआ यह अग्नि सर्वगामी सुगम मार्ग से जाने वाला रज्जुओं से बांधकर द्रुतगामी अश्वों को जोतता है, अर्थात लताओं से परिवेष्टित वृक्षों को भक्षण करता है। वह हमारा मित्र काष्ठ रूप धन पाकर प्रदीप्त होकर सबको चूर्ण करता है। वह काष्ठ खंडों से वर्धित होता है। अशीतितम सुक्तम। भाषार्थ, अग्नि गतिशील एवं युद्ध में शत्रुओं को पराजित कर अन्न देने वाला अश्वस्तोताओं को देता है। वह अग्नि वीर्यमान वेदज्ञ तथा सत्कार्य प्रेमी पुत्र प्रदान करता है। अग्नि द्यावा पृथ्वी को प्रकाशित करता है। यह अग्नि स्त्री को वीर प्रस्विनी करता है। भाषार्थ, कार्य कुशल अग्नि की समित काष्ठ हमारे लिए कल्याणप्रद हो। अग्नि अपने तेज से द्यावा पृथ्वी में सब जगह व्याप्त है। अग्नि संग्राम में किसी एक को उत्साहित करता है, अर्थात अपने भक्त को स्वयं सहायक होकर विजयी बनाता है तथा अग्नि अनेक शत्रुओं का नाश करता है।
भाषार्थ अग्नि ने निश्चय से ही उस विख्यात जरपकर्ण नामक ऋषि की रक्षा की। अग्नि ने जल से निकलकर जरूथ नामक असुर को भस्म कर दिया था तथा अग्नि ने प्रतास कुंड में पतित अत्रि महर्षि की रक्षा की थी। अग्नि ने नृमेध ऋषि को संतान दिए थे। भाषार्थ उत्कृष्ट ज्वाला रूप अग्नि धन देता है, जो अग्नि ज्ञान दृष्टा ऋषि को सहस्रों गायों को देता है तथा जो अग्नि यजमानों का दिया हुआ हव्य द्युलोक में पहुंचाता है, उस अग्नि के शरीर नाना धामों में स्थापित किए जाते हैं। भाषार्थ अग्नि की वेद मंत्रों से पहले ऋषि लोग स्तुति करते हैं, बुलाते हैं, मानो युद्ध में शत्रुओं से पीड़ित होकर जय के लिए अग्नि को बुलाते हैं। अग्नि को पक्षी आकाश में रात्रि में देखते हैं। अग्नि हजारों गायों से परिवेष्टित होकर जाता है, हजारों गायों को प्राप्त कराता है। भाषार्थ अग्नि की मानवी प्रजा स्तुति करती है, नहुष राजा की प्रजा अग्नि की नाना प्रकार से स्तुति करती है। अग्नि यज्ञ मार्ग के लिए अत्यंत हितकर वेद वचन सुनाता है। अग्नि का मार्ग घी में ही आश्रित है। भाषार्थ विद्वान लोग अग्नि के लिए ही स्तोत्र करते हैं, हम महान अग्नि की स्तुति करते हैं। हे तरुण अग्नि स्तोता की रक्षा कर, हे अग्नि महान धन दो। एकाशीतितम सुक्तम। भाषार्थ जो विश्वकर्मा होता सबको ऐश्वर्य देने वाला पहले इन सभी लोकों का हवन करके बाद में स्वयं का भी अग्नि में हवन करके विराजता है, वह हम सबका पिता है। वह स्तोत्रादि के आशीर्वाद मंत्रों से स्वर्ग रूप धन की कामना करता हुआ पहले संपूर्ण जगत को व्यापता हुआ बाद में समीप के लोकों के साथ स्वयं भी अग्नि में प्रविष्ट हुआ। भाषार्थ सृष्टि काल में विश्वकर्मा का आश्रय क्या था, कैसा था? सृष्टि कार्य का आरंभ उसने कहां से किया, कैसे किया? जिस कारण से भूमि को उत्पन्न करता है तथा आकाश को अपने महान सामर्थ्य से निर्माण करता है, इस कारण उसने यह सब कैसे किया होगा? भाषार्थ वह विश्वकर्मा सब जगह देखने वाला और सर्वत्र मुख वाला, सर्वत्र बाहु वाला तथा सर्वत्र पैरों वाला है। ऐसा परमेश्वर स्वयं में ही तीनों लोकों को निर्माण करता है, अपने दोनों हाथों एवं पादों से द्यावा पृथ्वी को एक साथ ही निर्माण करता हुआ वह सम्यक रीति से चलाता है, वह एक ही अद्वितीय देव प्रभु है। भाषार्थ जिसने द्यावा पृथ्वी को सृष्टिकर्ता बनाया वह कौन सा महान वृक्ष है? विद्वान पुरुषों तुम अपने मन से यह प्रश्न पूछो। तथा वह ईश्वर सभी लोकों को धारण करता हुआ जिस स्थान पर विराजता है उसका भी अंतःकरण पूर्वक विचार करो। भाषार्थ हे सभी भुवनों के निर्माणकर्ता परमेश्वर, जो तेरे सर्वोत्कृष्ट शरीर हैं, जो मध्यम एवं जो साधारण शरीर हैं, वे सब मित्रभूत हमें दे। स्वधा युक्त देव तू स्वयं अपने आप शरीर को अन्नादि से बढ़ाता हुआ हमें देह प्रदान कर। भाषार्थ हे विश्वकर्मा तू हवियों से वृद्धिगत होता हुआ स्वसामर्थ्य से महान होकर पृथ्वी एवं द्यौ को अपने में धारण करता है और यज्ञीय हवि से विख्यात होकर तुम द्यावा पृथ्वी का पूजन करो। दूसरे सब यज्ञ के विरोधी लोग सब प्रकार से मोहित हों। इस यज्ञ में सब ऐश्वर्यों का स्वामी विश्वकर्मा हमें स्वर्गादि का फलदाता हो। भाषार्थ हम वाणी के स्वामी मन की भांति शीघ्र गमन करने वाले विश्वकर्मा परमेश्वर को इस यज्ञ में आज हमारे रक्षण के लिए बुलाते हैं, वह हमारे सभी हवनों का सेवन करें, वह हमारे रक्षण के कारण संपूर्ण विश्व को सुख देने वाला एवं उत्तम कार्य करने वाला है। द्वयशीतितम सुक्तम। भाषार्थ इंद्रियादि युक्त शरीर के उत्पादक एवं मन से निश्चय ही प्रबल विश्वकर्मा ने पहले जल को उत्पन्न किया, उसके बाद जल में इधर उधर चलने वाले द्यावा पृथ्वी को बनाया। जब पर्यंत भाग बाहर के सीमा के द्यावा पृथ्वी के प्राचीन भाग दृढ़ हो गए तब द्यावा पृथ्वी
विस्तृत होते गए, विख्यात हुए। भाषार्थ विश्वकर्मा सर्वज्ञानी महान, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाला, संसार का निर्माता, परम ज्ञानवान एवं सर्व कार्यों का दृष्टा है, जिसके विषय में विद्वान लोग कहते हैं कि वह सप्त ऋषियों से भी परे हैं तथा उनकी इच्छाएं अन्न के द्वारा पूरी होती हैं, वह एक ही अद्वितीय है, ऐसा कहते हैं। भाषार्थ जो हमारा पालक उत्पन्न करने वाला, विशेष रूप से विश्व को धारण एवं पोषण करने वाला है, जो विश्व के सारे धामों, लोकों एवं उत्पन्न होने वाले पदार्थों को जानता है, जो समस्त देवों के नाम रखकर उनको उनके स्थान पर रखने वाला अकेला अद्वितीय है, उसे अन्य सभी उत्पन्न प्राणी कौन परमेश्वर है, यह प्रश्न पूछते पूछते प्राप्त करते हैं। भाषार्थ वे प्राचीन सभी ऋषि स्तुति करने वाले स्तोताओं की भांति इस विश्वकर्मा के लिए ही चरु पुरोडाशाद धन से सब रीति से यजन करते हैं। जिन महर्षियों ने स्थावर एवं जंगम लोक में नियत रूप से व्यापक इन सब लोकों एवं प्राणियों को धनादि प्रदान करके बनाया था। भाषार्थ वह द्युलोक से भी परे हैं, इस पृथ्वी से भी परे हैं, जो देव एवं असुरों से भी परे हैं, श्रेष्ठ हैं। जल ने किस सर्वश्रेष्ठ सर्वसंग्राहक गर्भ को धारण किया है, जिसमें सब इंद्रादि देव रहकर परस्पर एकत्र देखते हैं। भाषार्थ उस ही विश्वकर्मा के गर्भ को सबसे पहले जल तत्व ने धारण किया है, जिसमें इंद्रादि सब देव इकट्ठे होते हैं। उस अजन्मा की नाभि में यह संपूर्ण विश्व एक सम्यक रूप से आश्रित है तथा इसमें सब ब्रह्मांड है, जिसमें सब भूत प्राणी आदि रहते हैं। भाषार्थ हे मानवों, तुम उसको नहीं जानते जिसने इन सभी लोकों और प्राणियों को उत्पन्न किया है। तुम्हारे अंतर्गत ईश्वर तत्व निश्चित रूप से अलग से विद्यमान है, कोहरे से घिरे हुए, अज्ञान अंधकार से ढके हुए, केवल पेट भरण करके तृप्त होने वाले एवं स्तुति पाठक होकर केवल मंत्रों का उच्चारण करके पृथ्वी पर विचरते हैं, उनको ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है। त्रयशीतितम सुक्तम। भाषार्थ हे शस्त्रास्त्र युक्त उत्साह, जो तेरा सेवन करता है वह सब बल एवं सामर्थ्य को निरंतर पुष्ट करता है। बलवर्धक और विजयी तुम सहायक के साथ हम दासों एवं आर्यों को अपने वश में करेंगे। जिसके पास उत्साह होता है उसको सब प्रकार का बल एवं शस्त्रास्त्रों का सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह प्रत्येक प्रकार के शत्रु को वश में कर सकता है। भाषार्थ उत्साह ही इंद्र है, उत्साह ही देव है, उत्साह ही हवन करता वरुण एवं जात वेग अग्नि है। उत्साह है कि जिसकी जो मानव प्रजाएं हैं वे सब सराहना करती हैं। हे उत्साह, प्रीति से युक्त होकर तू तप से हमारी रक्षा कर। इंद्र, वरुण, अग्नि आदि सभी देव इस उत्साह के कारण ही बड़े शक्ति वाले हुए हैं। मानव भी इसी उत्साह की सराहना करते हैं, क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्य से सबको बचाता है। भाषार्थ हे उत्साह, महान से महान शक्ति वाला तू यहाँ आ, अपने तप के सामर्थ्य से युक्त होकर शत्रुओं को नष्ट कर। शत्रुओं को नष्ट करने वाला, आवरण करने वालों का नाशक एवं दुष्टों का नाशक तू हमारे लिए सब धनों को भर दे। उत्साह से बल बढ़ता है, शत्रु पराजित होते हैं, चोर डाकू एवं दुष्ट दूर किए जाते हैं और सब प्रकार का धन प्राप्त किया जाता है। भाषार्थ हे उत्साह, तू ही विजयी बल से युक्त, अपनी ही शक्ति से बढ़ने वाला, तेजस्वी शत्रुओं को पराजित करने वाला, सबका निरीक्षक, समर्थ एवं बलिष्ठ हो। तू संग्रामों में हमारे भीतर शक्ति स्थापना कर। उत्साह से विजयी बल प्राप्त होता है, शत्रु पराजित हो जाता है, अपना सामर्थ्य बढ़ जाता है, तेजस्विता फैलती है तथा प्रत्येक प्रकार का बल बढ़ता है। वह उत्साह का बल संग्राम के समय हमें प्राप्त हो। भाषार्थ हे ज्ञानवान उत्साह, मैं तेरे बल का भाग न प्राप्त करने के कारण कर्म शक्ति से दूर हुआ हूँ, इसलिए कर्महीन सा होकर मैं तेरे पास आया हूँ।
अतः तू हमको अपने शरीर के बल का दान करता हुआ प्राप्त हो। जिसके पास उत्साह नहीं होता वह कार्य की शक्ति से हीन हो जाता है, इसलिए प्रत्येक मानव को उचित है कि वह अपने मन में उत्साह धारण करे तथा बलवान बने। भाषार्थ, हे समर्थ, हे सर्व स्वदाता, यह मैं तेरा ही हूँ। प्रत्यक्ष दाता से हमारे पास आ। हे उत्साह, हे शस्त्रधर, हमारे पास प्राप्त हो। मित्र को पहचान तथा हम शत्रुओं का वध करें। उत्साह से सब प्रकार का बल प्राप्त होता है। यह उत्साह हमारे मन में आकर स्थिर रहे तथा उसकी मदद से हम मित्रों को बढ़ाएं और शत्रुओं को दूर करें। भाषार्थ, आगे बढ़, हमारे दाई ओर ही तथा हमारे सब प्रतिबंधों को मिटा दे। उस मीठे रस के मुख्य धारण करने वाले को मैं स्वीकार करता हूँ। हम दोनों एकांत में सबसे पहले उस रस का पान करें। उत्साह धारण करके आगे बढ़, शत्रुओं को पराजित कर तथा मीठे भोगों को प्राप्त कर। चतुर्शीतितम सुक्तम। भाषार्थ, हे मरणावस्था में भी उठने की प्रेरणा देने वाले उत्साह, तेरी मदद से रथ सहित शत्रु को नष्ट करते हुए तथा आनंदित एवं प्रसन्न चित्त होकर अपने आयुधों को तीक्ष्ण करते हुए तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र वाले अग्नि की भांति तेजस्वी नेता लोग चढ़ाई करें। मानव को उत्साह निराशा नहीं होने देता। जिसके मन में उत्साह रहता है वे शत्रुओं का नाश करते हैं और प्रसन्न चित्त से अपने शस्त्रास्त्रों को सदैव सज्ज करके अपने तेज को बढ़ाते हुए शत्रु पर चढ़ाई करते हैं। भाषार्थ, हे उत्साह, तू अग्नि की भांति तेजस्वी होकर शत्रु को पराजित कर। हे समर्थ, पुकारा हुआ हमारी सेना को चलाने वाला हो, शत्रुओं का वध कर धन को बांट दे तथा अपने बल को मापता हुआ शत्रुओं को हटा दे। भाषार्थ, हे उत्साह, इसके लिए अभिमान करने वाले शत्रु को पराजित कर, शत्रु को तोड़ता हुआ, मारता हुआ, कुचलता हुआ चढ़ाई कर। तेरा प्रभावशाली बल निश्चय से शत्रु को रोक सकता है। हे अद्वितीय, तू स्वयं संयमी होने के कारण शत्रु को वश में कर सकता है। उत्साह से शत्रुओं का पराभूत कर और शत्रुओं को नष्ट उत्साह से कर। उत्साह से तुम्हारा बल बढ़ेगा तथा तुम शत्रु को रोक सकोगे। हे शूर, तू पहले अपना संयम कर। जब तू अपना संयम करेगा तभी शत्रु को वश में कर सकेगा। भाषार्थ, हे उत्साह, तू अकेला ही अनेक में सत्कार पाने वाला है। तू प्रत्येक प्रजा जन को संग्राम के लिए उत्तम प्रकार शिक्षित कर। हे अटूट प्रकाश वाले, तेरी मैत्री के साथ हम हर्षयुक्त शब्द विजय के लिए करते हैं। स्वभावतः उत्साही पुरुष अनेकों में एकाध होता है, इसलिए सब उसका आदर करते हैं। शिक्षा द्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि राष्ट्र का प्रत्येक मनुष्य उत्साही हो जाए और जीवन युद्ध में अपना कार्य करने में समर्थ हो। उत्साह से ही प्रकाश बढ़ता है तथा विजय की घोषणा करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। भाषार्थ, हे उत्साह, इंद्र की भांति विजय करने वाला तथा श्रेष्ठ वचन बोलने वाला होकर यहाँ हमारा स्वामी हो। हे समर्थ, तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं तथा उस स्रोत को जानते हैं कि जहाँ से तू प्रकट होता है। उत्साह ही इंद्र की भांति विजय करने वाला है। उत्साह कदापि निराशा के शब्द नहीं बुलवाता, इसलिए हमारे अंतःकरण में उत्साह का स्वामित्व स्थिर हो। हम उस समर्थ महापुरुष का नाम लेते हैं जिनके अंतःकरण में उत्साह का स्रोत बहता रहता है। भाषार्थ, हे वज्र सहायक सहभूत वज्रधारी बाणधारी एवं साथ रहने वाले, तू ऐश्वर्य के साथ उत्पन्न होने वाला अधिक श्रेष्ठ बल धारण करता है। हे बहुत बार पुकारे गए उत्साह, तू कार्य शक्ति के साथ मित्र बनकर बड़े धन प्राप्त करने वाले महायुद्ध के उत्पन्न होने पर हमें प्राप्त हो। उत्साह के साथ सब शस्त्रास्त्र तैयार रहते हैं, उत्साह के साथ सभी ऐश्वर्य रहते हैं तथा उत्साह ही अधिक बल को धारण करता है। यह प्रशंसनीय उत्साह सदैव हमारा साथी बने तथा उसके साथ रहने से जीवन युद्ध में हमारी विजय हो। भाषार्थ, उत्साह एवं श्रेष्ठत्व का भाव दोनों प्रकार का धन अर्थात उत्पन्न किया हुआ तथा संग्रह किया हुआ
हमें दें। हृदयों में भयों को धारण करने वाले शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जाएं। सप्तमो नुवाकः पंचाशीतितम सुक्तम। भाषार्थ, देवों में सत्य रूप ब्रह्मा ने पृथ्वी को आकाश में धारण किया, सूर्य ने द्युलोक को स्तंभित किया है, धारण किया है। यज्ञ द्वारा देव रहते हैं, द्युलोक में सोम ऊपर अवस्थित हैं। भाषार्थ, सोम से ही इंद्रादि देव बलशाली होते हैं, सोम के द्वारा ही पृथ्वी महान होती है, तथा इन नक्षत्रों के मध्य में सोम रखा गया है। भाषार्थ, जब सोम रूपी वनस्पति औषधि को पीसते हैं, उस समय लोग मानते हैं कि उन्होंने सोम पान कर लिया, परंतु जिस सोम को ब्रह्म जानने वाले ज्ञानी लोग जानते हैं, उसको दूसरा कोई भी अयाज्ञिक नहीं खा सकता है। भाषार्थ, हे सोम, तू गुप्त विधि विधानों से रक्षित, बारहत गणों से संरक्षित है, तू पीसने वाले पत्थरों का शब्द सुनता ही रहता है, मुझे पृथ्वी का कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं खा सकता। भाषार्थ, हे सोमदेव, जब लोग तेरा औषधि रूप से सेवन करते हैं, उस समय तू बार बार पिया जाता है, वायु तुझ सोम की रक्षा करता है, जिस प्रकार मास वर्ष की रक्षा करते हैं। भाषार्थ, रवि कुछ वेद मंत्र विवाह के अनंतर विवाहिता की सखी हुई थी, मानवों से गाई हुई ऋचाएं उसकी दासी हुई थीं, सूर्या का आच्छादन वस्त्र अति रमणीय था और गाथा से सुशोभित हुआ था। भाषार्थ, जिस समय सूर्या पति के घर में गई, उस समय श्रेष्ठ विचार ही चादर था, काजल युक्त नेत्र थे, आकाश एवं पृथ्वी ही उसके खजाने थे। भाषार्थ, स्तोत्र ही सूर्या के रथ चक्र के डंडे थे, कुरीर नामक छंद से रथ सुशोभित किया था, सूर्या के वर अश्विनी कुमार थे तथा अग्रगामी अग्नि था। भाषार्थ, सोम वधु की इच्छा करने वाला था, दोनों अश्विनी कुमार उसके पति स्वीकृत किए गए। जब पति की कामना करने वाली सूर्या को सविता ने मनः पूर्वक प्रदान किया। भाषार्थ, जब सूर्या अपने पति के घर में गई, तब उसका रथ उसका मन ही था तथा आकाश ऊपर छत थी, सूर्य एवं चंद्र उसके रथवाहक हुए। भाषार्थ, हे सूर्या देव, तेरे मन रूप रथ में ऋक एवं साम के द्वारा वर्णित सूर्य चंद्र रूप बैल शांत रहते हुए एक दूसरे के सहायक होकर चलते हैं, वे दोनों कान मन रूप रथ के दो चक्र हुए, रथ का चलने का मार्ग आकाश हुआ। भाषार्थ, जाते हुए तेरे रथ के दोनों चक्र कान हुए, रथ का धुरा वायु था, पति के घर को जाने वाली सूर्या मनोमय रथ पर आरूढ़ हुई। भाषार्थ, पति के घर जाते समय पिता सूर्य ने प्रेम से दिया हुआ सूर्या का गौ आदि धन पहले ही भेजा गया था, मघा नक्षत्र में विदाई में दी गई गायों को डंडे से हाँका जाता है तथा फाल्गुनी नक्षत्र में कन्या को पति के घर पहुँचाया जाता है। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, जिस समय तीन चक्र के रथ से सूर्या के विवाह की बात पूछने के लिए तुम आए थे, उस समय सभी देवों ने तुम्हारे कार्य को अनुमति दी थी तथा तुम्हारे पुत्र पूषा ने तुम्हें वरण किया था। भाषार्थ, हे अश्वद्वय, जब तुम सूर्या को मिलने के लिए सविता के पास आए थे, तब तुम्हारे रथ का एक चक्र कहाँ था और तुम परस्पर दान आदान करने के लिए तैयार थे, तब तुम कहाँ रहते थे? भाषार्थ, हे सूर्य, तेरे रथ के चंद्रात्मक दो चक्र जो समयानुसार चलने वाले प्रसिद्ध हैं, वे ब्राह्मण जानते हैं, और एक तीसरा संवत्सरात्मक चक्र जो गुप्त था, उसको विद्वान ही जानते हैं। भाषार्थ, सूर्या, देव, मित्र, वरुण तथा जो भी सभी प्राणी मात्र के शुभ चिंतक हितप्रद हैं, उन्हें मैं नमन करता हूँ। भाषार्थ, ये दोनों सूर्य एवं चंद्र अपने तेज से पूर्व पश्चिम में विचरण करते हैं और ये क्रीड़ा करते हुए यज्ञ में जाते हैं। इन दोनों में से एक सूर्य सभी भुवनों को देखता है तथा दूसरा चंद्र ऋतुओं दोनों मास रूप काल विभागों का निर्माण करता हुआ बार बार उत्पन्न होता है।
करता है। भाषार्थ, यह चंद्र प्रतिदिन पुनः उत्पन्न होकर नवीन ही होता है। वह दिनों का सूचक कृष्ण पक्ष की रातों में प्रातः कालों के आगे ही आता है, या दिनों का सूचक सूर्य प्रतिदिन नवीन होकर प्रातः काल सामने आता है। वह आता हुआ देवों को यज्ञ हवि भाग देता है। चंद्रमा आकर आनंद देता हुआ दीर्घायु करता है। भाषार्थ, हे सूर्य, अच्छे किंशुक एवं शलमल की लकड़ी से बने हुए अनेक रूप वाले, सोने के रंग वाले, श्रेष्ठ वेष्टनों से युक्त, श्रेष्ठ चक्रों से युक्त इस रथ पर चढ़ो तथा पति के लिए अमृत के लोक को सुखकारी बनाओ। यह वधु श्रेष्ठ लकड़ी से निर्मित सुंदर सोने की नक्काशी से युक्त श्रेष्ठ चक्र वाले रथ पर चढ़कर अमर पद के मार्ग पर हमला करें। यह धर्म पत्नी का विवाह मंगल पति के घर वालों के लिए सुखकारक हो। भाषार्थ, हे विश्वावसों, इस स्थान से उठो, क्योंकि यह स्त्री पति वाली हो गई है। मैं विश्वावस को नमस्कारों एवं वाणियों से स्तुति करता हूँ। तुम पितृकुल में रहने वाली यौवना दूसरी लड़की की कामना करो, यह तुम्हारा भाग है, जन्म से उसको जानो। भाषार्थ, हे विश्वावसो, इस स्थान से उठो, तुम्हारी नमस्कार से स्तुति करते हैं, तथा तुम बृहत नितंबिनी की कामना करो और उस स्त्री को पति के साथ संयुक्त करो। भाषार्थ, सभी मार्ग कांटों से रहित और सुगम हों, जिनसे हमारे मित्र कन्या के घर के प्रति पहुँचे हैं, तथा अर्यमा एवं भग देव हमें अच्छी प्रकार ले जाएं। हे देवों, ये पत्नी और पति अच्छे मिथुन जोड़े हों, वर एवं वधु के घर जाने के मार्ग कांटों रहित एवं सुगम हों। देवगण इन जोड़ों को सुखी एवं समृद्ध करें। भाषार्थ, तुझे मैं वरुण के बंधनों से मुक्त करता हूँ, जिससे तुझे सेवा करने योग्य सविता ने बांधा था। सदाचारों के घर में तथा सत्कार्यकर्ता के लोक में हिंसा के अयोग्य तुझको पति के साथ स्थापित करता हूँ। भाषार्थ, यहाँ पितृलोक से तुझे मुक्त करता हूँ, वहाँ पति कुल से नहीं, वहाँ से तुझे भली प्रकार बांधता हूँ। हे दाता इंद्र, जिससे यह वधु श्रेष्ठ पुत्र वाली और उत्तम भाग्य से युक्त हो। वधु का संबंध पितृकुल से छूटे, किंतु पति के कुल से न छूटे। पति कुल से संबंध सुदृढ़ हो, परमेश्वर इस वधु को पति कुल में श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त करे तथा उत्तम भाग्य से युक्त करे। भाषार्थ, पूसा तुझे यहाँ से हाथ पकड़कर चलाएं, आगे अश्वदेव तुझे रथ में बिठाकर पहुँचाएं, अपने पति के घर को जा, वहाँ तू गृह स्वामिनी एवं सबको वश में रखने वाली हो, वहाँ तू उत्तम विवेक का भाषण कर। वधू का हाथ पकड़कर भाग्य का देव उसको पहले चलाए, अश्विनी देव रथ में बिठाकर विवाह के बाद पति के घर पहुँचाएं। इस प्रकार वधू पति के घर पहुँचे, वहाँ पति के घर की स्वामिनी तथा सबको अपने वश में रखने वाली होकर रहे, ऐसी स्त्री ही योग्य प्रसंग में उत्तम संपत्ति दे सकती है। भाषार्थ, यहाँ तेरी संतान के साथ प्रिय की वृद्धि हो, तथा तू इस घर में गृहस्थ धर्म के लिए जागती रह। इस पति के साथ अपनी देह को संयुक्त कर और बूढ़े होने पर तुम दोनों उत्तम उपदेश करो। इस धर्म पत्नी की संतान उत्तम सुख में रहें, यह धर्म पत्नी अपना गृहाश्रम श्रेष्ठ रीति से चलाए, यह धर्म पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहे। जब इस प्रकार धर्म मार्ग से गृहस्थाश्रम चलाते हुए पति पत्नी बूढ़े हो जाएं, तब वे दोनों उत्तम वचनों का उपदेश अपनी संतानों को दें। भाषार्थ, नीला एवं लाल बनती है, क्रोध युक्त होती है, तब विनाशक कामना बढ़ती है, इसकी जाति के मानव बढ़ते हैं और पति बंधन में बांधा जाता है। पति कुल में वधु के अधर्म आचरण करने पर खून खराबा होता है, उस दुराचारिणी वधु की विनाशक बुद्धि बढ़ जाती है, उसके पिता के संबंधी लोग एकत्र हो जाते हैं और इस प्रकार बेचारा पति बंधन में फंसता है, इसलिए कन्या को सुशिक्षा देनी चाहिए। भाषार्थ, शरीर के मल से मलिन वस्त्र का
त्याग करो, प्रायश्चित्तार्थ ब्राह्मणों को धन दो, यह कृत्या चली गई है तथा अब पत्नी होकर पति में सम्मिलित हो रही है। भाषार्थ, यदि पति वधू के वस्त्र से अपनी देह को ढकना चाहे तो पति का शरीर श्री रहित रोगादि से दूषित हो जाता है। इस वधू के पाप युक्त शरीर से दुख कष्ट से पीड़ा देने वाली होती है। भाषार्थ, वधू से और वधू के संबंधियों से जो व्याधियां तेजह पुंज वर के शरीर को प्राप्त होती हैं, यज्ञार्ह इंद्रादि देव उनको उनके स्थान पर पुनः लौटा दें जहां से वे पुनः आ जाती हैं। भाषार्थ, जो विरोधी शत्रु रूप होकर पति पत्नी दोनों के पास आते हैं वे न प्राप्त हों, वे सरल मार्गों से दुर्गम देश में जाएं, शत्रु दूर भाग जाएं। भाषार्थ, यह वधु शोभन कल्याण वाली है, सभी आशीर्वाद करता आएं और इसे देखें। इस विवाहिता को श्रेष्ठ सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देकर बाद में सब अपने घर चले जाएं। भाषार्थ, यह वस्त्र दाहक मलिन एवं विष की तरह घातक है, यह व्यवहार के योग्य नहीं है। जो ब्राह्मण सूर्या को भली भांति जानता है वही वधू के वस्त्र को प्राप्त कर सकता है। भाषार्थ, आशसन झालर विशसन शिरोभूषण एवं अधिविकर्तन तीन भाग वाला वस्त्र, इस प्रकार के वस्त्र पहनी हुई सूर्या के रूप में होते हैं, उन्हें तू देख, उनको वेदज्ञ ब्राह्मण ही शुद्ध करता है। भाषार्थ, हे वधु, तेरा हाथ मैं सौभाग्य वृद्धि के लिए ग्रहण करता हूँ, जिस कारण से तू मुझ पति के साथ वृद्धावस्था तक पहुँचना। भग अर्यमा सविता एवं पुरंधिह देवों ने तुझे मुझे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए प्रदान किया है। भाषार्थ, हे पूषा, जिस स्त्री के गर्भ में मानव रेत रूप बीज बोते हैं अर्थात रेतः स्खलन करते हैं, जो हम पुरुषों की इच्छा करती हुई दोनों जांघों का आश्रय लेती है तथा जिसमें हम कामवश होकर अपने प्रजनन इंद्रिय का प्रवेश कराते हैं, अत्यंत कल्याणमय गुणों वाली उसको तू प्रेरित कर। भाषार्थ, हे अग्नि, गंधर्वों ने तुझे पहले दहेज आदि सहित सूर्या को दिया और तुमने दहेज के साथ उसे सोम को अर्पित किया तथा तू हम पति को श्रेष्ठ संतान सहित स्त्री प्रदान कर अर्थात हम विवाहितों को श्रेष्ठ संतान से संपन्न कर। भाषार्थ, अग्नि ने पुनः दीर्घायु एवं तेज कांति सहित पत्नी को दिया, इसका जो पति है वह दीर्घायु होकर 100 वर्ष तक जिए। भाषार्थ, सोम ने सबसे पहले तुम्हें पत्नी रूप से प्राप्त किया, उसके बाद गंधर्व ने प्राप्त किया, तेरा तीसरा पति अग्नि है, चौथा मानव वंशज तेरा पति है। भाषार्थ, सोम ने उस स्त्री को गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को दिया, पश्चात इसको अग्नि ऐश्वर्य एवं संतति के साथ मुझे प्रदान करता है। भाषार्थ, हे वर एवं वधु, तुम दोनों यहीं रहो, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होवो, पूरी आयु को विशेष रूप से प्राप्त करो, अपने घर में रहकर पुत्र पौत्रों के साथ आमोद आनंद एवं उनके साथ खेलते हुए रहो। भाषार्थ, प्रजापति हमें उत्तम संतति देवें, अर्यमा वृद्धावस्था पर्यंत हमारी रक्षा करें, तू मंगलमयी होकर पति के घर में प्रवेश कर, तू हमारे आप्त बंधुओं के लिए और पशुओं के लिए सुखकारिणी हो। भाषार्थ, हे वधु, शांत दृष्टि वाली एवं पति को दुख न देने वाली होवो, पशुओं के लिए हितकारी श्रेष्ठ शुभ विचार युक्त मन वाली तेजस्वी वीर प्रसविनी एवं देवों की भक्ति करने वाली सुखकारी होवो, हमारे द्विपादों के लिए तथा चतुष्पादों के लिए कल्याणमयी होवो। भाषार्थ, हे इंद्र, तू इसको श्रेष्ठ पुत्रों से युक्त एवं सौभाग्यशाली कर, इसको 10 पुत्र प्रदान कर तथा पति को लेकर इसे 11 व्यक्ति वाला बना। भाषार्थ, हे वधु, तू ससुर सास ननद एवं देवरों की साम्राज्ञी महारानी के समान होवो, सबके ऊपर प्रभुत्व कर। भाषार्थ, सभी देव हमारे दोनों के मनों को आपस में मिला दें, जल वायु धाता एवं सरस्वती हम दोनों को संयुक्त करें। इत्यष्टमाष्टके तृतीयोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः
षडशीतितम सुक्तम। भाषार्थ, मैं इंद्र ने सोमा भिषव सोमयाग करने के लिए स्तोताओं को कहा था, परंतु उन्होंने मुझ इंद्र की स्तुति नहीं की, वृषाकप की ही स्तुति की। जहाँ सोम प्रवृद्ध यज्ञ में मेरे मित्र श्रेष्ठ स्वामी वृषाकप इंद्रपुत्र सोमपान से आनंदित हुआ, तो भी मैं इंद्र सर्वश्रेष्ठ हूँ। भाषार्थ, हे इंद्र, तू बहुत व्यथित होकर वृषाकप पर हमला करता है, तू दूसरी जगह सोमपान के लिए नहीं जाता है, वह इंद्र निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे इंद्र, तुम्हारा हरा रंग मृगभूत इस वृषाकप का क्या भला किया है, जिस कारण जिसे तू पुष्ट कर धन उदार होकर जल्द ही देता है, वह इंद्र निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे इंद्र, तू इस जिस प्रिय वृषाकप की रक्षा करता है, इसके कान को वराह की कामना करने वाला कुत्ता जल्द ही काटे, इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, मेरे लिए यजमानों से कल्पित प्रिय एवं घी युक्त जो सामग्री रखी हुई थी, उसे वृषाकप ने सब प्रकार से दूषित किया है, इसलिए मैं इसके मस्तक को अवश्य ही काट डालूं, मैं इस दुष्ट कार्य करने वाले को सुखकारी नहीं हो सकती। इंद्र सर्वश्रेष्ठ एवं महान हैं। भाषार्थ, मुझसे बढ़कर कोई स्त्री भाग्यशालिनी नहीं है, तथा मुझसे अधिक कोई स्त्री अतिशय सुखी एवं सुपुत्रा नहीं है, मुझसे बढ़कर दूसरी स्त्री पति के पास जाने वाली नहीं है, तथा रति के समय मुझसे अधिक दूसरी जांघों को उठाने वाली कोई नहीं है, इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, हे इंद्राणी माता, हे सुखपूर्वक सब लाभ कराने वाली माता, जिस प्रकार तू कहती है वैसा ही निश्चित हो। हे माते, मेरे पिता के लिए तुम्हारा अंग जंघा एवं मस्तक प्रेमालाप को कोकिलादि पक्षी की भांति सुखदायक हो, इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, हे सुंदर बाह वाली, हे श्रेष्ठ अंगुलियों वाली, हे सुकेशी, हे विशाल जांघों वाली, हे शूर पत्नी इंद्राणी, तू हमारे वृषाकप पर क्यों कुपित हो रही हो, इंद्र संपूर्ण विश्व में श्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, यह घातक वृषाकप मुझे पति पुत्र रहित की भांति ही मानता है, और इंद्र पत्नी मैं पुत्रवती एवं मरुतों की मदद से युक्त हूँ, मेरा पति इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ, सत्य की विधात्री सत्य प्रतिपादक एवं पुत्रवती इंद्र की पत्नी मैं यज्ञ में वा युद्ध में पहले जाती हूँ, इसलिए ही मेरी सब जगह स्तुति होती है, इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, विख्यात स्त्रियों में इंद्राणी को मैं सबसे अधिक भाग्यशाली करके सुनता हूँ, तथा अन्य पुरुषों की भांति इंद्राणी का पति वृद्धावस्था में मरता नहीं, इंद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। भाषार्थ, हे इंद्राणी, मैं मेरा मित्र वृषाकप के बिना आनंद प्रसन्न नहीं रहता, सलिल युक्त बहुत प्रिय यह वृषाकप का हवि देवों में मेरे पास ही आता है, इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ हैं। भासार्थ, वृषाकप की माता, हे धनवती, श्रेष्ठ पुत्र वाली सुखदायिनी इंद्राणी, तेरा यह इंद्र वृषों को जल्द ही खा जाए, तेरे प्रिय एवं सुख देने वाले हवि का यह भक्षण करे, इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। भासार्थ, मेरे लिए इंद्राणी द्वारा प्रेरित याज्ञिक लोग 15-20 बैल पकाते हैं, और मैं उन्हें खाकर परिपुष्ट होता हूँ, मेरी दोनों कुक्षियों को याज्ञिक सोम से भरते हैं, इंद्र सबसे उत्तम हैं। भाषार्थ, तीक्ष्ण सींगों वाला षाण जिस प्रकार गौवों के मध्य गर्जना करता हुआ रमता है, वैसे ही तुम भी मेरे साथ रमण करो। हे इंद्र, मेरे हृदय के लिए मंथन सुखदायक हो, तेरे लिए भक्ति करने वाली इंद्राणी जो सोमरस निचोड़ती है, वह भी आनंद कर हो, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे इंद्र, जिस पुरुष का जननांग दोनों जांघों के बीच लंबायमान है, वह पुरुष मैथुन करने में समर्थ नहीं होता, जिसके बैठने पर लोमयुक्त जननेन्द्रिय विशेष रूप से फैलता है, वह ही मैथुन कर सकता है, इंद्र ही सबसे उत्तम है। भाषार्थ, इंद्र कहता है जिसके सोने पर लोमयुक्त जननेन्द्रिय फैलता है, वह मैथुन करने में असमर्थ होता है, जिसका लिंग दोनों जांघों के बीच लंबायमान है, वही मैथुन करने में समर्थ होता है, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे इंद्र, यह वृषाकप अलभ्य प्राप्त करे, अनंतर शस्त्र
पाक साधन नवीन चरु भात तथा काष्ठों से परिपूर्ण शकट प्राप्त करे इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ, मैं इंद्र यजमानों को देखता हुआ, शत्रुओं को दूर करता हुआ तथा आर्यों का अन्वेषण करता हुआ यज्ञ में आता हूँ। पक्व दृढ़ मन से सोम को निचोड़ने वाले का सोम मैं ग्रहण करता हूँ और मेधावी यजमान की श्रेष्ठ रीति से रक्षा करता हूँ। इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, जल शून्य मरुदेश एवं काटने योग्य वन में कितने योजनों का अंतर है, इसलिए हे वृषाकपि, तू पास ही विद्यमान हमारे घर में आश्रय को प्राप्त कर तथा यज्ञ गृह में रह, इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे वृषाकपि, तू फिर वापस आ, तेरे लिए हम इंद्र एवं सुखप्रद हितकर कार्य करते हैं। जो यह तू निद्रा स्वप्न नाशक सूर्य की भांति सुगम मार्ग से हमारे घर में फिर आओगे, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। भाषार्थ, हे ऐश्वर्यवान वृषाकपि, जो तू ऊपर को घूमकर मेरे घर में आओ, बहुत मृदु पदार्थ खाने वाला तू अब तक कहाँ था, लोगों को आनंद देने वाला तू किस देश को गया था, इंद्र ही सबसे श्रेष्ठ है। भाषार्थ, मन की पुत्री परशुनाम की है, जिसने 20 पुत्रों को एक साथ ही उत्पन्न किया, उसका तो सदैव कल्याण ही हुआ, जिसका उदर मोटा हुआ था, इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। सप्ताशीतितम सुक्तम। भाषार्थ, मैं राक्षस शानक बलशाली यजमानों के मित्र एवं महान अग्नि को घी से प्रदीप्त करता हूँ तथा अत्यंत सुख प्राप्त करता हूँ। यह अग्नि अपनी ज्वालाओं को तीक्ष्ण करके यज्ञ कार्य परायण पुरुषों द्वारा प्रज्वलित होता है। वह अग्नि हमें दिन रात राक्षसों से रक्षा करे। भाषार्थ, हे यज्ञवान अग्नि, तू अत्यंत तेजस्वी एवं लोहे की दाढ़ों वाला तीक्ष्ण दाढ़ों वाला होकर अपनी ज्वाला से राक्षसों को जला। तू मारक राक्षसों को ज्वाला से मार, मांस भक्षक राक्षसों को काट कर अपने मुख में रखो। भाषार्थ, हे दोनों तरफ से दाढ़ाओं से युक्त अग्नि, तू राक्षसों के हिंसक हो, तू दोनों दाढ़ों को अति तीक्ष्ण करके राक्षसों को नष्ट करने में उनका उपयोग कर और पास एवं दूर के देशों के लोगों की रक्षा कर। हे राजन, प्रदीप्त अग्नि, अंतरिक्ष में स्थित राक्षसों के पास जा और राक्षसों को दाढ़ों से पीस डालो। भाषार्थ, हे अग्नि, तू हमारे बल बढ़ाने वाले यज्ञों से तथा हमारी स्तुति से संतुष्ट होकर अपने बाणों को नवाते हुए और उनके अग्रभागों को वज्र से युक्त करते हुए उनसे राक्षसों के हृदयों को छेद, पश्चात तेरे साथ युद्ध करने के लिए आए उनके संबंधियों की भुजाओं को तोड़ दे। भाषार्थ, हे बुद्धिमान अग्नि, तू राक्षसों की त्वचा छिन्न भिन्न कर, इन्हें तेरा हिंसक वज्र तेज से मारे, उनके अंगों को तोड़, छिन्न राक्षसों के अवयवों को मांसाहारी वृक आदि पशु भक्षण करें। भाषार्थ, हे बुद्धिमान अग्नि, तू जहाँ भी किसी राक्षस को पृथ्वी पर खड़ा या अंतरिक्ष में घूमता वा अंतरिक्ष में आकाश मार्गों से जाता हुआ देखे, उसको शर संधान करने वाला तू अपने तीक्ष्ण बाण से मार। भाषार्थ, हे ज्ञानवान अग्नि, और तू आक्रमण करता राक्षस के हाथ से मुझ यज्ञकर्ता को अपने रिष्ट नामक शस्त्रों से बचाओ। पहले तू प्रज्वलित होकर कच्चे मांस को खाने वाले राक्षसों का संहार कर, शब्द करने वाली वेग से उड़ने वाली पक्षियां उसको खाएं। भाषार्थ, हे तरुणतम अग्नि, जो राक्षस और अन्य पिशाच आदि यज्ञ में बाधा उत्पन्न करता है वह कौन है, यह मुझे कह, उस पापी को अपने तेज से नष्ट कर, इसको मानवों पर कृपामयी दृष्टि डालने वाला तू तेज से अपने वश में कर। भाषार्थ, हे अग्नि, तू तीक्ष्ण तेज से हमारे यज्ञ की रक्षा कर, श्रेष्ठ ज्ञान वाले इस सर्वोत्कृष्ट यज्ञ को धन संपन्न कर। हे मानवों के दर्शन अग्नि, तू राक्षसों का हंता बहुत प्रदीप्त है, तुझे राक्षस न मारें। भाषाग्र, हे अग्नि, तू सभी मानवों को देखने वाला, मानवों में राक्षस को भी देख तथा उस राक्षस की तीन मस्तकों को काट, उसकी पीठ पर के सहायकारियों को भी अपने तेज से मार, इस प्रकार तीन प्रकार से राक्षस के मूल को काट डाल। भाषार्थ, हे बुद्धिमान अग्नि, तेरे ज्वालाओं के बंधन राक्षस तीन बार आए,
जो राक्षस सत्य को असत्य वचन से नष्ट करता है, उसको अपने तेज से भस्म कर डाल। इसको स्तुति करने वाले मेरे सामने नष्ट कर। भाषार्थ, हे अग्नि, गर्जना करने वाले राक्षस पर अपना वह तेज फेंक, जिससे खुर की भांति नखों से ऋषियों को पीड़ा देने वाले राक्षस को देखता है। सत्य को असत्य से नष्ट करने वाले अज्ञानी राक्षस को अपने दिव्य तेज से अथर्वा ऋषि की भांति भस्म कर डाल। भाषार्थ, हे अग्नि, जब आज स्त्री पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तब स्तोता लोग आपस में कटु वचनों का प्रयोग करते हैं, तब मन में क्रोध उत्पन्न होने पर मन से जो बाण फेंका जाता है, उससे राक्षसों के हृदय में मार। भाषार्थ, हे अग्नि, तू राक्षसों को तेज से भस्म कर, राक्षस का तेरी उष्णता से नाश कर, मारने वाले राक्षसों को अपनी तीव्र ज्वाला से मार। अत्यंत प्रदीप्त होकर मानवों के प्राण लेने वाले राक्षसों को भस्म कर। भाषार्थ, आज अग्नि प्रमुख सभी देव प्राण घातक राक्षस का नाश करें, तथा इसके पास हमारे दुर्वचन जाएं, मिथ्या बोलने वाले राक्षस के मर्म के पास बाण जाएं, विश्वव्यापक अग्नि के जाल में राक्षस जाएं।